नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। आप सभी को AOC की अपडेट मिल गई होगी कि फायरमैन और ट्रेड्समैन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि कब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले फिजिकल होगा या रिटन एग्जाम होगा, एज में कुछ बदलाव है या नहीं, फायरमैन और ट्रेड्समैन के दोनों फॉर्म हम भर सकते हैं या नहीं, कितने प्रतिशत पर एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो जो भी साथी AOC ट्रेड्समैन या फायरमैन का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, उन सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली फायरमैन से संबंधित जॉब और प्राइवेट जॉब का अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने PDF ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो इसके अंदर मेटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी थी वह हो चुकी है 22/10/2022, 15/11 इसका कंप्लीट हो चुका है फिजिकल, रिटन एग्जाम और ज्वाइनिंग लेटर भी आना स्टार्ट हो चुका है। अब फायरमैन और ट्रेड्समैन की बातें हम कर लेते हैं। तो जो फायरमैन की जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई होने की, एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं मैं, जो कि होगी 28 जनवरी, क्योंकि 28 जनवरी को कन्फर्म ही डेट मान के चलो आप, क्योंकि जो एम्प्लॉय न्यूज़पेपर है वह 28 जनवरी को ही जारी होगा। और ट्रेड्समैन की भी यहां पर सेम होने वाली है, जो आने वाला एम्प्लॉय न्यूज़पेपर है उसके अंदर ही इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके अंदर ही पूरी जानकारी भी दी जाएगी। तो 28 जनवरी को सभी स्टूडेंट तैयार हो जाएं। अब आगे जान लेते हैं कि इसके अंदर जो एज लिमिट है क्या रहने वाली है। दोनों वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, ट्रेड्समैन और फायरमैन के बारे में। तो 18 से 25 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड्स और फायरमैन, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एज रिलेक्शन की बात कर लेते हैं, SC ST OBC कैंडिडेट के जो गवर्नमेंट रूल है उसके अंदर एज रिलेक्शन मिला है SC ST OBC कैंडिडेट को, वह यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये डाउट भी रहता है कि क्या फीस रहने वाली है, कई कमेंट आ चुके हैं मुझे अभी तक। इसके अंदर एप्लीकेशन कोई भी नहीं रहने वाली है किसी भी कैंडिडेट का, यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है, फ्री आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी ई मित्र से आप अप्लाई करवाओगे वह फॉर्म भरने के 50 रुपये या 100 रुपये आपसे ले सकता है। ठीक है साथियों, जो आपका चलाने यहाँ पर कोई भी नहीं कटने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं इसके अंदर हम, जो आपकी क्वालिफिकेशन है ओनली आप दोनों ही पोस्ट के लिए आप 10वीं पास वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ओनली यहाँ पर 10वीं पास स्टूडेंट मांगा गया है, जो 10वीं पास है दोनों ट्रेड के लिए। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, किस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी पहले एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होने वाला है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम, फिर इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है साथियों, नॉर्मल आपका होने वाला है। यहाँ पर जो भी रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, इसकी पूरी जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं आपका जो एग्जाम है कितने समय का रहने वाला है। यहाँ पर 2 घंटे का आपका समय आपको मिलने वाला है, दो घंटे का समय। ठीक है, और आपके FSA टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जानकारी जान लेते हैं जो आपका होगा सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दूंगा कि किस टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप सबसे पहले यह जान लो कि इसके अंदर आपका जनरल इंग्लिश आएगा जो 25 नंबर का होगा और 25 उसके ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस यानी GK 25 नंबर का, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की होगी और स्पेशलाइज टॉपिक होंगे आपके 50 नंबर के। ठीक है, टोटल आपका 150 नंबर का पेपर और 150 नंबर आपके होने वाले हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे इन सब में से, वह जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं देने वाला हूं। ठीक है साथियों, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की जो मैंने आपको थंबनेल पर बताया है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आगे चलते हैं, आपको किस प्रकार अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आर्मी ऑर्डेंस कोर्प रिक्वायरमेंट 2023, किस प्रकार आप इस फॉर्म को अप्लाई करना है, इसके भी वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकें जो कि फायरमैन स्टूडेंट। ठीक है साथियों, ई मित्र
शॉप से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड्समैन के फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1249 और 544 यहाँ पर फायरमैन की रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मैं देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, सिलेबस की वीडियो, किस 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 आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आने वाला है, किस प्रकार इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसके अंदर मोस्ट जानकारी है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है साथियों। अप्लाई 28 तारीख तक हम इसका इंतजार करेंगे, 28 तारीख के बाद इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। एम्प्लॉय न्यूज़पेपर के अंदर इसकी वैकेंसी आने के बाद यह स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा इंतजार कर लें, 28 तारीख को कन्फर्म है और सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो साथियों यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे आने वाली फायरमैन की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।